सर ये हम लोग हॉरिजेंटल मशीन पे टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, जो एडेशन की स्ट्रेंथ है। यहाँ पर सर जो आपका सैंपल था, उस सैंपल के बैक साइड में हम लोगों ने 3M का टेप लगाया है। ये टू साइड टेप है 3M का। इस 3M के टेप को हम लोगों ने बेस पे ग्लास के साथ में पेस्ट कर दिया है। और ये आपका ऊपर वाला टेप है जो आपने 3M का टेप दिया था, एडेसिव जो आपका डिसाइडेड है और फिक्स है। यहाँ हम लोग इसको क्लैंप कर दिया हम लोगों ने लोड सेल के साथ में। लोड सेल की जो कैपेसिटी है वो 1 kg की है। और यहाँ का आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट को। यहाँ जो वैल्यू आएगी डिस्प्ले के ऊपर में वो बहुत ही बेसिक वैल्यू भी दिखाएगा। और मैं यहाँ पर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं स्पीड को थोड़ा सा कम करके भी, जो हमारी कल बात हुई थी, हमने यहाँ पर स्पीड को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि स्पीड ड्राइव भी इस मशीन में लगा हुआ है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो अराउंड 250 mm है और हम मिनिमम तक जा सकते हैं इसको 25-30 तक। तो हम लोगों ने स्लो स्पीड पे किया है इसको परफॉर्म। वैल्यूज़ में जो अपडेट आ रहा है डिस्प्ले में वो 1 ग्राम का लीस्ट काउंट को भी वो ले रहा है। ये सैंपल का बिहेवियर है। सैंपल ग्रेजुअली निकल रहा है उसमें से। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ उसके अंदर में मेटल्स के जो रेशे आ रहे हैं वो सिर्फ साइड्स के अंदर में आ रहे हैं, बीच में बहुत बहुत स्मॉल स्पॉट्स आ रहे हैं, बट पूरा का पूरा एल्यूमिनियम उसके साथ में नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ ग्राम के अंदर में बढ़ा है वैल्यू। सर जैसा कल डिस्कस हुआ था, इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट है कि हम किस फोर्स से इसके ऊपर में एडेसिव टेप लगा रहे हैं। वो फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई पर्सन उसके अंदर में ज़्यादा फोर्स से उसको पेस्ट करता है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, और अगर कम से करता है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी हमें एक रीडिंग कांस्टेंट रखनी पड़ेगी अप्लाइड फोर्स। तो ये जस्ट सर एक कॉन्सेप्ट है। फर्दर डिस्कशन मैं और आप ऑन कॉल कर लेंगे। यहाँ पर ऑटो लिमिट स्विच लगा हुआ है सर, जैसे ही इसका ट्रैवल कंप्लीट होगा अपने आप मशीन रुक जाएगी। सर 1 ग्राम और अपडेट आया लास्ट के अंदर में, कुछ वैल्यूज़ वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है एकदम से। ये देखिए सर, क्योंकि अभी जो फिल्म के अंदर में भी सर आप देख रहे हैं थोड़ा सा उठ रहा है, नीचे निकल रहा है, उससे भी रीडिंग्स जो हैं वो वैरी कर रही हैं। बट आपने जैसा देखा था कि डिस्प्ले में वैल्यू जो है वो 1-1 ग्राम के हिसाब से अपडेट हो रही है। ये ऑटो स्टॉप हो गया सर। तो थ्रू आउट द टेस्ट ये 17 ग्राम इसका मैक्सिमम अचीव हुआ है। हम लोगों ने पीक होल्ड किया हुआ था, बट जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम और 6 ग्राम पे और 7 ग्राम पे कॉन्स्टेंट रहा काफ़ी देर तक। देन उसके बाद में रीडिंग एकदम से लास्ट टाइम पे जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पर इंक्रीज़ हुई है।